नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में आपको बताने वाला हूँ कि गाइस अगर आपके फ़ोन के अंदर भी हॉटस्टार एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, प्रॉब्लम आ रही है, एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, तो इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स कर सकते हो। तो गाइस अगर आप भी जानना चाहते हो कि हॉटस्टार एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही, इस प्रॉब्लम को आप किस तरह से फिक्स करेंगे, तो फिर इस वीडियो को देखते रहिए। तो गाइस सबसे पहले इसके लिए करना क्या होगा, अपने फ़ोन के प्ले स्टोर में जाना है। तो यहाँ पर गाइस हम प्ले स्टोर में ओपन कर लेंगे, और गाइस जैसे ही प्ले स्टोर ओपन करेंगे उसके बाद यहाँ पर सबसे पहले आपको क्या करना होगा, यहाँ पर सर्च बार में आपको सर्च करना है हॉटस्टार। तो यहां पर हम हॉटस्टार एप्लीकेशन को सर्च कर लेंगे और यहां पर ये एप्लीकेशन ओपन हो जाएगी। अब गाइस यहां पर क्या होता है कि कई बार अपनी एप्लीकेशन के अंदर अपडेट आ जाता है, और गाइस हम इस एप्लीकेशन को अपडेट नहीं करते, उसकी वजह से भी आपकी एप्लीकेशन ओपन होने के अंदर प्रॉब्लम होती है, ओपन नहीं होती है। तो गाइस अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेट आया तो सबसे पहले तो आपको एप्लीकेशन को अपडेट कर लेना है। फिलहाल मेरी एप्लीकेशन के अंदर कुछ भी अपडेट नहीं है। अगर आपकी एप्लीकेशन के अंदर कुछ अपडेट होगा तो यहाँ पर अपडेट लिखा हुआ आपको देखने को मिल जाएगा। तो यहाँ से आपको सिंपली अपडेट कर लेना है। अपडेट करने के बाद यहाँ से आपकी प्रॉब्लम फिक्स हो जाएगी। अगर फिर से अगर ये प्रॉब्लम अगर नहीं हो रही है इससे फिक्स, तो यहाँ से गाइस क्या करना होगा, आपको यहाँ से बैक आ जाना है। और गाइस बैक आने के बाद जाना है अपनी फ़ोन की सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर जाने के बाद यहाँ पर आपको एप्लीकेशन वाले फोल्डर को ओपन करना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर मेरा जो एप्लीकेशन वाला सेक्शन है, यहाँ पर मोर सेटिंग के अंदर है। तो यहाँ पर जैसे ही मैं मोर सेटिंग के ऊपर क्लिक करूंगा, उसके बाद यहाँ पर देख सकते हो एप्लीकेशंस देखने को मिल जाएगा। किसी फोन के अंदर एप्स लिखा होगा, किसी फोन के अंदर एप्लीकेशन मैनेजमेंट होगा, और किसी के अंदर एप्लीकेशन लिखा होगा। तो चलिए गाइस यहाँ पर मेरे फोन के अंदर एप्लीकेशन है, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करता हूँ। और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर इंस्टॉलेड पर क्लिक करना है, और उसके बाद यहाँ पर हॉटस्टार एप्लीकेशन को आपको ओपन कर लेना है। तो चलिए गाइस यहाँ पर मैं हॉटस्टार एप्लीकेशन को ओपन कर लेता हूँ। और गाइस ओपन करने के बाद यहाँ पर स्टोरेज वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है, और इसके ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर क्लियर डेटा वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक करके यहाँ से गाइस जो आपको क्लियर डेटा पर आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे ही आप क्लियर पे क्लिक करोगे, यहाँ पर आपका जितना भी डेटा रहेगा वो सभी क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर करना क्या होगा, यहाँ पर गाइस जो आपका जो फोर्स स्टॉप है वो यहाँ पर क्लिक करके आपको यहाँ पर ओके वाले ऑप्शन पर क्लिक करके यहाँ से गाइस जो आपको फोर्स स्टॉप पे क्लिक कर देना है। तो फोर्स स्टॉप यहाँ पर ओके पे क्लिक करोगे तो यहाँ पर फोर्स स्टॉप जो है यहाँ पर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर जो डेटा वो है, वो डेटा भी यहाँ से आपको क्लियर डेटा पर क्लिक करके यहाँ से आपका इसका जो डेटा है उसे भी यहाँ से आपको क्लियर कर देना है। जिससे क्या होगा, इस एप्लीकेशन का जो डेटा रहेगा वो एक साथ सभी क्लियर होगा। उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम आती है कभी कभी। तो यहाँ से क्लियर डेटा करने के बाद फिर से आपकी जो एप्लीकेशन है वो कम्प्लीटली यहाँ पर वर्क करने लग जाती है। अगर गाइस फिर भी ये प्रॉब्लम आ रही है, फिर भी ये एप्लीकेशन ओपन नहीं हो रही है, तो सिंपली गाइस आपको अपने फोन को जो रीस्टार्ट कर लेना है, जिससे कि आपकी जो प्रॉब्लम है वो 100% सॉल्व हो जाएगी। बस एप्लीकेशन अगर ओपन नहीं हो रही है तो इसके ये तीन ही कारण रहते हैं जिसकी वजह से ये एप्लीकेशन ओपन नहीं होती। तो आपको एक बार अपना फोन रीस्टार्ट कर लेना है, उसके बाद ये प्रॉब्लम आपकी जो है सॉल्व हो जाएगी। तो गाइस अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना, शेयर करना, और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए।